अमृतसर के जलियांवाला बाग के नरसंहार कांड को कौन भूल सकता है। जलियांवाला बाग में मेजर जनरल ने हजारों लोगों पर गोलियां चलवाई थी जिनमें 400 से ज्यादा लोग शहीद हो गए थे। आपको बता दें ये आधिकारिक सरकारी आंकड़ा है 400 लोगों का, लेकिन 1500 लोगों पर गोलियां चलाई गई थी। तो वहीं जलियांवाला बाग में बने ऐतिहासिक शहीदी कुएं के इतिहास के साथ में छेड़छाड़ की गई है। मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने ठेकेदार लगाए हैं और रेनोवेशन के नाम पर ऐतिहासिक धरोहर के साथ शहीदी कुएं में उसको ध्वस्त किया जा रहा है इस कुएं को, जिससे जलियांवाला बाग में आने वाले सैलानी नाराज हो रहे हैं। सैलानियों का आरोप है कि उन्हें शहीदों की असली निशानी के दर्शन नहीं करवाए जा रहे हैं। तो वहीं आम लोगों ने भी इसको लेकर नाराजगी जताई है। आपको बता दें केंद्र सरकार के इस फैसले का पंजाब सरकार भी विरोध कर रही है। आज से 99 साल पहले नृशंस हुआ, उसके साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ की जा रही है इतिहास के साथ। के हम दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जलियांवाला बाग शहीदी कुआं हम आपको दिखा रहे हैं और इतिहास के साथ किस तरीके से छेड़छाड़ की जा रही है, किस तरीके से ठेकेदार लगा दिए गए हैं इस कुएं की मरम्मत के नाम पर इससे छेड़छाड़ की जा रही है। यानी कि वास्तविकता से हमारी आने वाली पीढ़ी अब रूबरू नहीं हो पाएगी। क्या ये ठीक है? सवाल जनता टीवी का ये कि क्या ये ठीक है मरम्मत के नाम पर छेड़छाड़ करना ऐतिहासिक तथ्यों के साथ, क्या ये ठीक है? 13 अप्रैल 1919 वो तारीख जो कि इतिहास में खूनी लहजे के साथ दर्ज है, जिसमें 1500 से ज्यादा लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया, 79 लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया। जनरल डायर अपने 90 सैनिकों के साथ वहां पहुंचता है, 1650 गोलियां दागी जाती हैं और 1500 लोग मार दिए जाते हैं। क्या हमारे आगे आने वाली पीढ़ियों को इस ऐतिहासिक तथ्य से रूबरू नहीं होना चाहिए? वहीं इस पूरे मामले पर जनता टीवी संवाददाता जजबीर सिंह ने जलियांवाला बाग का जायजा लिया और स्थानीय लोगों को साथ साथ आने वाले सैलानियों से भी बातचीत करी। क्या कुछ बातचीत हुई, आप भी सुनिए। जिहड़ा कि इतिहासिक जिहड़ी इत्थों दी इतिहास है उस दे नाल जिहड़ा छेड़खानी की जा रही है, कि जिस तरह तुसीं देख सकते हो, तुहानूं लाइव दिखाने हैं कि जलियांवाले बाग दे विच जिहड़ा इतिहासिक खूह है जिस विच हज़ारां ही शहीदां ने जिहड़ी इत्थे शहीदी पाई सीगी, उस इतिहासिक खूह दे नाल छेड़खानी की जा रही है। उहदी इमारत जिहड़ी है ढाई जा रही है और तुसीं साफ देख सकते हो कि वह पूरी इमारत जिहड़ी उह ढा दित्ती गई है। हालांकि इस दे नाल छेड़खानी नहीं की जा सकती, लेकिन इत्थों दे प्रशासन वल्लों थोड़ी जी छेड़खानी जिहड़ी की जा रही है, ढाण दी कोशिश की गई है। और तुसी देख सकते हो एक इतिहासिक जगह होने के बावजूद ये नाल एक ऐसी यदि बेदबी की गई है जिहड़ा इतिहास में समेट के बैठा सी। जलियांवाला बाग जिहड़ा एक सारी दुनिया में जलियांवाले बाग इतिहास के तौर पर जानती है। यह देख सकते हो तुसी जलियांवाले बाग का जिहड़ा इतिहासिक खूह है उस दे नाल छेड़खानी की गई, उन्हें उपरों पूरा ढा दिता गया है और यह तुसी देख सकते हो कि उहदा मलबा जिहड़ा ट्रालियां दे विच पा के इत्थों ले जाया जा रहा है। एक पुराना मलबा है जिहड़ा जिहड़ा जनरल डायर दे वेले जिहड़ा इत्थे जिहड़ा एक खूनी जिहड़ा संघर्ष रचिया गया सीगा, जिहदे विच हज़ारां ही जिहड़े शहीद आम लोग सी उन्हां नूं शहीद किया गया, वह जनरल डायर वालों जिहड़ी एक कौम दे उत्ते जिहड़ी कहर ढाया गया, वह तुसीं देख सकते हो उस वेले दे जिहड़ा मलबा सी जिहड़ा खूह सीगा उस खूह नाल अज सारा ढा के इन्हां नूं ट्रालियां दे विच इन्हां दा मलबा जिहड़ा पा के इन्हूं लिजाया जा रहा है। और मीडिया नूं इस चीज़ तों दूर रख्या गया, हालांकि मीडिया नूं इस तों गलबात नहीं की दित्ती जा रही और ना सानूं लागे जाने की इजाजत दी जा रही है। हर तरह की संभव कोशिश करने की कोशिश की गई, लेकिन इन्होंने मीडिया को लागे ले जाने की कोशिश नहीं की। जी इमारत है उसनों ढाया जा रहा है, उन उसारी के नाम के उत्ते इस दे उत्ते जिहड़ा सारा ही कुआं जिहड़ा आले दुआले का सीगा उह जगह सारी ढा दित्ती गई है। जिहड़े लोग इत्थे शहीदां नूं नमस्तक होने लई आंदे ने उन्हां नाल गलबात करदे कि वह लोग इत्थे दे की महसूस कर रहे हैं, जिन्हां नूं अंदर नहीं जान दिता जा रहा। सर किदां महसूस कर रहे हो इस शहीदां दी, जलियांवाला बाग शहीदां दी धरती बनी है, इहदी विसाखी दे दौरान इत्थे जिहड़ा सीगा 13 अप्रैल 1919 दे विच इत्थे शहीदां नूं जिहड़ा शहीद कर दित्ता जाए, जिहड़े आजादी दे दीवाने सीगे, अज उहनां दी जिहड़ी इतिहास जिहड़ा उहनां दे वजों जिहड़ा जानदा जिहड़ी उहनां दी पुरातन जिहड़ी इत्थे दा कुआं सीगा जां दूसरीआं चीज़ां उहनां नूं ढाया जा रहा है इमारतां नूं, किस तरह महसूस करदे हो? असीं अपने बच्चिआं नूं शहीदी कुआं दिखा लैण के लै के आए सीगे, इतने शहीदी खूह नाल छेड़खानी की गई है, उस सारी दे दिन उसनों ढा दिता गया है ते साडे बच्चे उस नूं देखण तों वांझे रह गए आ, जो कि बहुत ही निराश हो के जा रहे हैं। जो पुरातन कला इतने देखण नूं मिलदी सी उह अज नहीं मिल रही, तो उस नाल इह सरकार जां प्रशासन छेड़खानी कर रहा है।
उसारी दे नां दे उत्ते जिहड़ा है इहनूं सारा ढाया गया है, इस बारे की कहना चाहोगे? इतिहास नाल छेड़खानी दा मामला, इतिहास नाल छेड़खानी बिल्कुल नहीं करनी चाहीदी सीगी। ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਸਾਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਲਣ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਪ੍ਰਾਤਨ ਇਤਿਹਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਾਲੇ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਲਈ ਸ਼ਹੀਦੀ ਕੂਆ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਸ਼ਹੀਦੀ ਕੂਆ ਦੇਖਣੇ ਕੋ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਅਸਾਰੀ ਕੇ ਦਿਨ ਉਸਕੋ ਸਾਰਾ ਕਵਰ ਕੀਆ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਉਸਮੇ ਦੇਖਣੇ ਕੋ ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। परिजनों का आक्रोश साफ तौर पर झलक रहा है कि हम अपनी भावी पीढ़ी को ये दिखाने के लिए लाए थे कि किस तरीके से इतिहास के पन्नों में नृशंस दर्ज हुआ है, लेकिन अगर उस इतिहास से ही दो चार ना होने दिया जाए तो क्या कीजिएगा। वहीं पूरे मामले पर कांग्रेस विधायक राजकुमार वेरका ने भी कुछ कहा है, वो भी सुनिए। कहूँगी ये शहीदों का इतिहास मिटाने की साजिश है और यहाँ हमारे यहाँ कुर्बानियाँ दी गई है, उस कुर्बानियों का जो कुआं एक इतिहास बोलता था और पूरी दुनिया उसको देख कर के हमारे शहीदों को याद करती थी, आज उस कुएं को गिरा दिया गया। इससे बढ़िया और कोई घटिया काम हो नहीं सकता। नरेंद्र मोदी जी और उनका उनकी सरकार संज्ञान ले, जवाबदेही तय करें और ये देखें, इसकी उच्चपदरी जांच होनी चाहिए, इसकी उच्चपदरी कमेटी बननी चाहिए, जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। तो राजकुमार वेरका का बयान सामने आया, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार को इस पर संज्ञान लेना चाहिए। सवाल यहां पर यह है कि जब चुनावी रैलियां होती हैं तो हम इतिहास की बात करते हैं, जगह जगह पहुंचते हैं और उस स्थान से जुड़े इतिहास की बात करते हैं, लेकिन जब उसी क्षेत्र के इतिहासों के साथ में इतिहास के साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ होने लगे तो जवाबदार कौन होगा, जवाबदारी किसकी सुनिश्चित होनी चाहिए? इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए जजवीर हमारे साथ में लाइव जुड़े हुए हैं। जजवीर, आप जलियांवाला बाग में मौजूद हैं, वहां पर लोग हैं, लोगों की भावनाएं भी आहत हो रही हैं कहीं ना कहीं, इस पर क्या कहना है सत्ता पक्ष का, आपने बात करने की कोशिश करी उनसे? जी बिल्कुल, जब हमने डॉक्टर राजकुमार वेरका के इस बारे में जब हमने बात करने की कोशिश की तो उस समय उन्होंने बताया कि ये जो जलियांवाला बाग जो शहीद हुए थे यहाँ पर, उनकी जो शहादत है उसको मिटाने की कोशिश की गई है और ये सेंट्रल मिनिस्ट्री जो इसके अंदर इन्वॉल्व है, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म जो है इसका कार्यभार को संभाल रही है। उनके साफ तौर पर कहना था कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो ऐसा जो शहीदों के ऊपर एक ऐसा उनका इतिहास मिटाने का जो आरोप है वो उनके ऊपर लगाते हुए जो डॉक्टर राजकुमार वेरका है वो साफ तौर देखेंगे। और वहीं जब हमने लोगों से इस बारे में बात की तो लोगों का भी ये कहना था कि ये ऐसा नहीं होना चाहिए था, शहीदों को नमन करने के लिए लोग दूर दूर से यहां पर पहुंचते हैं और जब ऐसा उनको दिखाने के लिए जो शहीदी कुआं मेन दिखाने के लिए बच्चों को लाते हैं, वही कुआं अगर यहां पर नहीं होगा, बनावटी एक, हालांकि उसमें एक बनावटी उसको रचने के लिए उन्होंने दोबारा से वही AC वगैरह लगा के वहां पर बनाने की कोशिश तो करेंगे, लेकिन वो जो पुरातन हमारी इमारत थी वो तो इन्होंने ढहढेरी कर दी, लेकिन जो लोग हैं वो उसी को देखने के लिए यहां पे आते थे। कहीं ना कहीं जो लोगों की यहां पर जो उनकी एक आस्था थी उसको ठेस पहुंची है यहां पर। बिल्कुल जजबीर, आस्था को ठेस पहुंची है क्योंकि उस कुएं की ईंट पर 120 निहत्ते लोगों का खून दर्ज है, खून लगा हुआ है और उसी को दिखाने के लिए लोग वहां पर पहुंचते हैं। अकाली दल से आपने बात करने की कोशिश करी या फिर BJP पक्ष से आपने बात करने की कोशिश करी, उनकी तरफ से क्या बयान सामने आया? जी बिल्कुल, अकाली दल और हमने जब BJP के लोगों से बात करने की कोशिश की, साफ तौर पे उनका ये कहना था भी अभी इस मामले में वो बात नहीं करना चाहते क्योंकि ये मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म का मामला है, सेंट्रल मिनिस्ट्री इसके अंदर इन्वॉल्व है, हम इस बारे में अभी हमारे को डिटेल नहीं है उनके पास और इस बारे में वो बात भी नहीं करने चाहते। बहुत बार उनसे कोशिश की गई वहाँ पर बात करने के लिए, दिल्ली से लेकर हमने पंजाब के जितने मिनिस्टर थे उनसे बात करने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो हमारे सामने आने के लिए तैयार नहीं थे। और ये जलियांवाला बाग का जो एक इतिहास है, इतिहास के साथ में जो छेड़खानी की गई है, साफ तौर पे दोनों ही पार्टियां अपना अपना निशाना है वो साध रही हैं, लेकिन लोगों की जो यहाँ पे आस्था है उसको कहीं ना कहीं जो है ठेस पहुंची हुई है। बिल्कुल ठेस पहुंचेगी जजबीर, और जैसा कि आपने बताया कि यहाँ पर जो काम चल रहा है, ठेकेदार जो काम कर रहे हैं उससे भी दूर रखा गया है मीडिया को। जी बिल्कुल, मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये देखिए, ये पूरी टीन की दीवार की पूरी उन्होंने एक दीवार खड़ी कर दी है जहां पर लोग जो है वो देख भी नहीं पाते और उस साइड में जो पूरे का पूरा रास्ता था वो पूरा ब्लॉक किया हुआ है, पूरा टीन की चादरों के साथ में इसको कवर किया गया है कि कोई अंदर जा ना सके और कोई देख ना सके कि क्या हो रहा है और किस तरह से जो काम है वो वहां पर किया जा रहा है। और लोगों को यहाँ पे खास तौर पर मनाही की गई है कि इसके अंदर देखना नहीं है और किसी ने इसके अंदर जाना नहीं है, और जो भी आदमी अंदर जाने की कोशिश करता है उसको
सिक्योरिटी जो है वो उसको तंग करना शुरू कर देती है। जी जसबीर, वहां पर लोग मौजूद हैं, उनकी क्या कुछ राय है? जी बिल्कुल, हमारे साथ में कुछ लोग हैं यहाँ पर, उनसे भी बातचीत करते हैं। यहाँ के लोकल रहने वाले भी हैं, बाहर से भी आए हैं, और उनसे इस बारे में बात करते हैं कि उनका इस बारे में क्या कहना है और इस मामले में वो क्या। सर, यहाँ पर ये जो कुआं है, पुरातन इमारत थी जो ढा दी गई है, इसके बारे में क्या कहना चाहोगे आप? ये इमारत है जो ये 1962 के अंदर अलग से बना दी गई थी, जो उसका पुरातन जो व्यू था वो बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया है। हम चाहते हैं कि जो उस वक़्त जो था, जनता वो देखना चाहती है कि उस वक़्त क्या पोजीशन थी, किस तरह लोग यहाँ गिरे, वो ना देख करके बिल्डिंगें हजारों बन जाएं, लेकिन वो पुरातन चीज़ देखने के लिए तो नहीं मिलती है। तो इसलिए हम इतिहास जो है वो किताबों तक ही रह जाएगा, क्योंकि प्रैक्टिकल बच्चे जो यहाँ पे देखने के लिए आते थे, इतिहास था पूरा वो देखने के लिए आते थे, वो अब इन्होंने जो है उसको ढह-ढेरी कर दिया, ख़त्म कर दिया, वो ख़त्म कर दिया। बट नया बनाएं तो यहाँ बाग बगीचे अच्छे फूल लगाएं, यहाँ पर इसका अच्छी तरह से इसका निर्माण करें, लेकिन जो चीज़ उस वक़्त थी, जो मुख्य है, वो तो वैसे की वैसे ही अच्छी लगेगी, हमारा ये कहना है। हमारे साथ में कुछ युवा भी हैं, उनसे भी बात करेंगे। सर, ये जो कुआं इन्होंने ढा दिया है यहाँ पे, इसके बारे में क्या कहना चाहते हो? सर देखिए, हम लोग अपने बच्चों को लेकर दिल्ली से यहाँ पे आए हुए हैं, उनको जो स्कूलों में पढ़ाया जाता है, किताबों में पढ़ाया जाता है, वो सब दिखाने के लिए यहाँ पे आए हैं, और आज हमारी ये मजबूरी है कि हम लोग उनको वो चीज़ नहीं दिखा पा रहे हैं। तो एक तरह से इतिहास जो है बच्चे नहीं देख पा रहे हैं। दूसरी चीज, बिल्कुल ठीक कहा गया कि अगर जसबीर आपको यहाँ पर रोकना चाहेंगे, हमारे साथ में श्वेत मलिक जुड़े हैं, पंजाब में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। श्वेत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जनता टीवी पर। श्वेत जी, यहाँ पर जलियांवाला बाग कितनी महत्ता है उसकी, ये तो आप समझते ही होंगे। उसके साथ में छेड़छाड़ हो रही है सर। अच्छा, जलियांवाला बाग 70 वर्ष से शहीदों की शरण स्थली है जी, पर बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि कांग्रेस का ट्रस्ट लंबे समय तक चला जी, और जलियांवाला बाग की कंडीशन पैथेटिक हो गई। वहां पे मूलभूत सुविधाएं भी नहीं थी, शौचालय भी ठीक नहीं थे। श्वेत जी, यहाँ मूलभूत सुविधाओं की बात नहीं हो रही है, पहले तो मैं आपको करेक्ट कर दूं, 70 साल नहीं, 99 साल हो चुके हैं, 99 साल हो चुके हैं, मूलभूत सुविधाओं की बात ही नहीं हो रही है। बात यहाँ पर उस शहीदी कुएं की हो रही है जिसके साथ छेड़छाड़ की जा रही है। मैडम, यू डोंट लेट मी रिप्लाई, आई एम कमिंग टू दैट पॉइंट व्हिच रेनोवेशन इज बीइंग हैपनिंग देयर जी। उसके बाद आज पहला ट्रस्ट आया जिसने के 4 महीने में वो कर दिखाया है जो 70 वर्ष तक नहीं हुआ, जिसमें कि मैं भी ट्रस्टी हूँ। आज हम जो जलियांवाला बाग में जो मूलभूत सुविधाएं दे रहे हैं, एक वहां पे जो श्रद्धालु लाखों की संख्या में आते हैं, उनको इसकी इतिहास जो है, जो शहीदों की शहीदी हुई, ये दुनिया की सबसे बड़ी शहीदी है, उसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती है जी। तो हमने यहाँ पे जो काम शुरू किया है, सबसे पहले तो यहाँ पे एक लाइट एंड साउंड शो होगा, जो कि उस शहीदी जो सारा साका हुआ उसके बारे में जानकारी मिलेगी। एक 3-डायमेंशनल डिजिटल डॉक्यूमेंट्री दिखाई जाएगी, उसमें जानकारी मिलेगी शहीदी साके के बारे में। श्वेत जी, आप ये मूलभूत सुविधाओं की बात कर रहे हैं, सवाल यहाँ पर ये है, श्वेत जी टू दी पॉइंट जवाब दे दीजिए, सवाल यहाँ पर ये है, आप बोल तो देने नहीं रही, फिर उत्तर आप देने में चुप करके सोचता हूँ। नहीं, आप जवाब दें, आप जवाब दें, मैं सुनने के लिए ही बैठी हूँ और जनता भी आपको सुन रही है। यू डोंट इंटरप्ट मी, लेट मी कंप्लीट देन आई लिसन टू यू। बोले, यहाँ पे जो शहीदी कुआं है जी, उसकी पैथेटिक कंडीशन थी, जो बुलेट मार्क थे वो दीवारें गिरने वाली हो गई थी, जो कि हेरिटेज है जी। हम शहीदी कुआं जो है उसको ऐसा बना रहे हैं कि लोग आए, उनको शहीदी कुएं के दर्शन हो, जो कितनी डेप्थ है, आज तो उसको देख भी नहीं पाता कोई, ये हालत है वहां पे। जो दीवारों पे बुलेट मार्क्स है वो दीवारें गिरने की तरह हो रही है, अगर वो दीवार गिर जाएगी इसका मतलब 1919 से लेके 100 साल पुरानी वो हेरिटेज नष्ट हो जाएगी। वी आर यूजिंग द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी टू प्रिजर्व दोज वॉल्स, कि वहां पे वो बुलेट के निशान आने वाले दशकों तक लोग जो है वो देखते रहे।
आज जो गली है, किन लोगों की बात कर रहे हैं श्वेत जी, आप किन लोगों की बात कर रहे हैं? जो लोग वहां पर पहुंच रहे हैं उनका साफ तौर पर कहना है कि हमें छेड़छाड़ नहीं चाहिए। ये आप कह रही हैं लोगों की बाइट है, लोगों की बाइट, हमने पूरी खबर चलाई है, हमारे संवाददाता वहां पर मौजूद है श्वेत जी। लोगों को आप क्या समझती है कि लोगों को शौचालय नहीं चाहिए? क्या आप समझती है कि लोगों को पीने का पानी नहीं चाहिए? क्या आप समझती है कि लोगों को? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी अहम राय साझा करने के लिए। तो बीजेपी की राय रखी श्वेत मलिक ने, प्रदेश अध्यक्ष हैं भाजपा के पंजाब में, और जो सरकार है वो लगातार कह रही है, प्रदेश सरकार है वो लगातार कह रही है कि इसका विरोध करती नजर आ रही है। लोगों का भी कहना है कि साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सवाल यहां पर यह है कि जो भावी पीढ़ी है, जो भविष्य है हमारे देश का, अगर वो शहीदों से रूबरू नहीं होगी, शहीदी से रूबरू नहीं होगी, तो उनमें संस्कारों का संचरण होगा कैसे? फिलहाल इस बुलेटिन में वक्त है फाइनल ब्रेक का। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा, बने रहिए जनता टीवी के साथ। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए दबाना न भूलें बेल आइकन और सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल।